मॉर्निंग गाइस, आज है डे थ्री ऑफ डेली ब्लॉगिंग एंड मुझे आज सीट का जो हाइट है वो थोड़ा ऊपर करना है, इसलिए मैं एलन की लेकर आया हूँ। तो झट से फट वो करते, पहले मैं क्या करता हूँ कि सीट का जो हाइट है उसको मैं बढ़ाता हूँ। ऐसे गर्मी बहुत है और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और ठंडी भी नहीं, एकदम ह्यूमिडिटी हुआ हुआ है। और सीट का हाइट करके मैं आपको सीधा साइकिल ब्लॉगिंग में मिलता हूँ, ठीक है। और काफ़ी लोग मेरे को पूछ रहे थे कि मेरे पास बाइक तो है ही, साथ में तीन तीन साइकिल। इसमें से ये जो है बीटविन, जिसका नाम मैंने मो रखा है, शी इज़ माइन, एंड ये वाली फ्रेंड की है, ये वाली भी फ्रेंड की है, उसे इतना यूज़ नहीं है तो ही हैज़ गिवन टू मी, तो रौनक चलाता है उसको। एंड ये वाली जो है ये वापस आज या कल में चली जाएगी साइकिल। इट्स अ गुड साइकिल बट इसकी हाइट छोटी है, मतलब मेरी हाइट बड़ी है, तो चलते हैं। सीट का हाइट तो इतना ऊपर नीचे नहीं हो पाया बिकॉज अपनी जो क्या बोलते हैं थोड़ा दाना तो है यार। चलते हैं साइकिल पे और आज देखते हैं, आज कहीं और गए तो ठीक है। तो आज दे दिया है प्रतीक ने धोखा, मिस्टर जेरी प्रैंकर आज नहीं आए। वेल, आज हमारे साथ एक दोस्त स्वप्निल एंड एक और उसका फ्रेंड है, सो हम तीन लोग हैं, बट ज़्यादा लंबा नहीं मारेंगे, एक स्पॉट पे जाएंगे एंड देन राधा स्वामी। आप लोगों को राधा स्वामी तो दिखाना है, द ओवर क्राउडेड एरिया। यार ये जो रेड वाला लाइट लगा है ना, ये लाइट लगाने का यार इन फ्यूचर। हम हमारे पहुंच गए डेस्टिनेशन पे, याद है मैंने बोला था एक पुल है, तो बस वो पुल ही था आज हमारा डेस्टिनेशन। ज़्यादा लंबा भी नहीं, हार्डली 5 to 6 किलोमीटर्स मेरे बस। अभी राधा स्वामी यू टर्न मार लेते हैं। तो आज दे दिया प्रतीक ने धोखा, आज वो नहीं आया और हम तीन ही आए बस। नो ब्रेक आज, हाँ आज ब्रेक। इसके नीचे क्या है, नाला बहता ना? हाँ पानी, नाला बहता, नाला ही बहता है। हाँ तो चलो यहाँ से यू टर्न मारा जाए, ज़्यादा रुकना नहीं है। क्या होता है ना, ज़्यादा रुक लेते तो आलस आता है फिर। क्या होता है ना कि अपन इतने बार एक वीक से जा रहे हैं ना, कहीं ना कहीं एक दिन तो आता है, मतलब होता है ना कि डाइट करते तो एक चीट डे ऐसा करने का मौका आता है, तो वैसे ही 6 दिन साइकिलिंग कर लो, एक दिन आपको चीट साइकिलिंग डे करने का मौका मिलता है कि आप छोटा छोटा कर लो। नाउ वी हैव रीच राधा स्वामी। अरे सन को देख, आज काम निकला है। द ओवर क्राउडेड प्लेस, मार घंटी। तो मुझसे तो हुआ नहीं था, मिस्टर स्वप्निल कर रहे हैं। टाइट कर रहा है, हो जाएगा, हो रहा है, हो रहा होएगा, होएगा। ओ, ये होता है एक्सपर्ट। ये होता है एक्सपर्ट। मैं तो बिल्डिंग के नीचे ट्राई कर रहा था, हो ही नहीं रहा था। अभी आएगा तेरे को मजा आएगा, अभी मजा आएगा, अब मजा आएगा ना बिडू। मैं कोई भी स्लोप चढ़ा सकता हूँ। आसानी से स्लोप चढ़ेगा। अभी वीकेंड है ना, वीकेंड में और भीड़ भी रहेगा। इतना ओवर क्राउडेड रहता है ना कि एक धक्का लगा पानी में। टक्कर खाते खाते बच गए, देख रहा ना क्राउड कैसा, इसलिए मैंने कैमरा को एक बार भी बंद नहीं किया।
एडिटिंग में एडिट कर दूंगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, फिर ब्लॉग लंबा चला जाता ना। अब स्वप्निल गया है ट्राई करने के लिए साइकिल को, क्योंकि मुझे जो सीट है वो थोड़ा सा ऊंचा लग रहा है, एंड यहाँ का आज सनराइज देखने के लिए तो मिल रहा है, नहीं तो यहाँ पर भी पूरा पानी भरा हुआ रहता है, अभी पानी पूरा सूख चुका है। क्या रिव्यू? बराबर लग रहा है मेरे को, बराबर लग रहा है, मे बी कड़क तो है, नहीं परफेक्ट है, कम मत, सही है ना, मेरे से लंबा है साले तेरे को, बराबर होना चाहिए। वैसे भीड़ कैसा था यहाँ पर? भीड़ आज ओके था, आज उतने लोग नहीं मिले, फिर भी वीकेंड है, सैटरडे है बोल के भीड़ मेरे को तो ज्यादा लगा, थोड़ा आगे आके लगा, स्टार्टिंग में इतना नहीं था, नहीं तो दो बार टक्कर खाते खाते बच्चा, यार एक तो हॉर्न भी नहीं है बोलने में, तो बाइक में वो घंटी होनी चाहिए ना, आज लूंगा जाके। हाँ, और मेरे में जो घंटी है वो सब मरेला घंटी है। हाँ, अच्छा राइड हो गया, शॉर्ट एंड सिंपल था आज, कल आएगी लंबी राइड। वो होता है ना, जैसे डाइट में अपन कैसे करते हैं कि एक चीट डे होना चाहिए, तो वैसे ही 6 दिन साइकिल कर लो, नहीं, एक किया है साइकिलिंग, कितना होएगा अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर? 20 किलोमीटर हो जाएगा, फिर भी 20 किलोमीटर हो जाएगा, बैड एट ऑल, कल आएगी लंबी राइड, कल लंबी राइड है, कल का कल देखा जाएगा, बाकी सनराइज एंजॉय करो, और वहाँ पर कुछ तो सीन चालू है उधर उधर, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। देखा कितना भीड़ रहता है राधा स्वामी में, टेन टू कैसे तैसे एडजस्ट किया, 6 किलोमीटर चला लिया, तो इन टोटल आज का कुछ 15 अप्रॉक्स किलोमीटर हुआ। फिलहाल जाते हैं वापस घर पे फ्रेश होकर, फिर आपको मिलता हूँ। व्लॉग नंबर 1, व्लॉग नंबर 2 दोनों अपलोड हो चुका है, और यू कैन सी यहाँ पर आई लिंक में आ रहा होगा ब्लॉग नंबर 1 का लिंक, और सेकंड का भी आएगा, वो दोनों आप देख लो, सो दैट एक फ्लो बना रहेगा। एंड मुझे एक चीज़ के बारे में बात करना था, सो दिस इज़ द हाइड्रेशन ब्लैडर जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं पानी भरता हूँ, मतलब ये जो टैप या कवर बोल लिड बोल सकते हो, इसके अंदर से मैं पानी डालता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 लीटर इसमें आ जाता है आराम से, एंड ये एक नॉब दिया हुआ है सो दैट पानी बाहर नहीं है, ऐसे तो आता नहीं है, और यहाँ पर से आप दांत से चबाएंगे ना तो इसके बाद यहाँ से पानी निकलता है, सो दिस इज़ गुड फॉर, मतलब कोई भी अगर साइकिल या फिर बाइक चला रहे हो तो दिस इज़ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट। एंड पीछे यहाँ पर बैग दिख रहा होगा जो केचुआ का सबसे छोटा बैग आता है डिकैथलॉन से, तो वो बैग मैं यूज़ करता हूँ, एंड वो ऐसे ही पड़ा था, इतना कुछ यूज़ नहीं था, तो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ खर्चिंग 1.5-2,000 रुपीज़, मैंने क्या किया कि ये बैग और ये हाइड्रेशन ब्लैडर अमेजोन से मंगाया, ये कुछ आया 400 या 450 का, एंड ये बैग था मेरे पास, सो मैंने इसको इसको कंबाइन कर लिया और हाइड्रेशन बैग बना दिया, तो जिससे मुझे पानी की कमी नहीं होती, मुझे बॉटल वगैरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं कोई भी राइड पर जाता हूँ तो मैं उसको कैरी कर लेता हूँ। और राइड से याद आया, कल है संडे, सो फिंगर्स क्रॉस्ड अगर संडे राइड का प्लान बनेगा तो। फिलहाल मौसम देखोगे, मौसम इतना मस्त हुआ हुआ है ना कि क्या बताऊँ, ऐसे लगता है कि बारिश आने वाली है, और मेरा मन कर रहा है कि बाइक नहीं तो वापस साइकिल राइड पे जाता हूँ, लेट्स सी अगर गया तो, बट मुझे लग रहा है बारिश आएगा, मुंबई का वेदर है ना, कुछ बोल नहीं सकते, देखते हैं। फिलहाल मुझे करना है कुछ काम, सो मैं मेरा काम निपटाता हूँ, एंड अभी कुछ तो 2:00 हुआ, मतलब अभी लंच हुआ है, सो लंच होने के बाद मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, बाकी तो मिलते हैं आगे, अगर कहीं बाहर गया तो मैं आपसे मिल लूँगा, चलो बाकी तो मेरा काम चालू है, सो मैं काम करता हूँ अभी, और फिर आप लोग से मिलता हूँ।
भाई साहब देख रहे हो अभी तक काम खत्म ही नहीं हो रहा है यार। मतलब वीकेंड है तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि है ना, काम करते रहो काम करते रहो। फुल हालत टाइट हो गई है। होप सो कल संडे अच्छा जाए, जो प्लान कर रहे हो उसके हिसाब से जाए। तो वीडियो ऑलमोस्ट मतलब मैं अभी एडिट करने बैठ रहा हूँ एंड अभी बज रहे हैं कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं रात के 9, और कल यानी कि संडे को 10 बजे ये व्लॉग आएगा। तो आप उन्हें तो देख लिया रहेगा या देख रहे हो ये वाला व्लॉग। वेल Day 3 भी अच्छा गया। बाकी तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में, और देखते हैं कुछ क्रिएट कर पाए। एंड कल अगर मैं बाइक मोटरसाइकिल राइड पे नहीं गया तो जो मेरा बाइक राइड है, बाइक मीन्स जो टू व्हीलर जो साइकिल है, साइकिल का जो राइड रहेगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, अगला व्लॉग मिस मत करना। जो भी होएगा आपको पता चल जाएगा। तो इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, प्लीज़ डू फॉलो देयर फॉर डेली अपडेट्स, बिकॉज यूट्यूब पे मैं हर चीज़ नहीं डाल सकता हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, Day 4 वाले व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय।